नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पर। आज के हम इस वीडियो में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का MCQ पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। आज भी इस वीडियो में 15 क्वेश्चन MCQ टाइप के मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंटेंट की आवश्यकता है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपको वीडियो तथा PDF की उपलब्ध करवा दिया जाएगा जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, बिफोर फ्लैशिंग द इलेक्ट्रोड्स द स्किन शुड बी, यानी कि इलेक्ट्रोड्स लगाने से पहले हमारी त्वचा किस प्रकार की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया वेट, दूसरा ऑप्शन दिया ड्राई, तीसरा ऑप्शन दिया हेयर, चौथा ऑप्शन दिया ऑयली, यानी सूखी गीली, सॉरी गीली होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, बालनुमा होनी चाहिए और तैली होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे आंसर नंबर बी, ड्राई। जो इलेक्ट्रोड यानी कोई चेकअप कराने से पहले जब हम इलेक्ट्रोड अपने बॉडी पर टच करते हैं या फिर उसका अपने बॉडी से जो हम डाटा लेते हैं तो इलेक्ट्रोड के थ्रू लेते हैं तो उसको लगाने से पहले हमारी त्वचा कैसी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। इसके कारण क्या होता है, अगर हम मेडिकल जेल जो होता है वो पहले हम मेडिकल जेल लगाते हैं उसके बाद इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो मेडिकल जेल जो होता है वो कंडक्टर होता है, वो जो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो मूव करते हैं उनको सेंस करता है और सेंस करने के बाद इलेक्ट्रोड के थ्रू मशीनरी को दे देता है जिससे हमें डिस्प्ले या फिर उसकी अपनी बॉडी की रिपोर्ट मिल जाती है। तो अगर वो ऑयली होगा या फिर ड्राई या फिर गीली होगी या फिर तैली होगी तो उस प्रकार से वो सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगा, यानी वो इंसुलेटर का काम करने लगेगा जिससे उसका डाटा प्रभावित होने लगेगा, यानी कि जो मेडिकल जेल है उसकी कंडक्टिविटी प्रभावित होने लगेगी, इसलिए जो त्वचा है वो सूखी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, बफरिंग एम्पलीफायर कन्वर्ट, यानी बफर एम्पलीफायर को प्रभाव को परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया लो इम्पीडेंस सिग्नल टू हाई इम्पीडेंस सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया हाई इम्पीडेंस सिग्नल टू लो इम्पीडेंस सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है AC इम्पीडेंस सिग्नल टू DC इम्पीडेंस सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है DC इम्पीडेंस सिग्नल टू AC इम्पीडेंस सिग्नल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि हाई इम्पीडेंस सिग्नल टू लो इम्पीडेंस सिग्नल, आंसर नंबर बी इज़ राइट आंसर। बफर एम्पलीफायर आप इससे पहले भी पढ़े होंगे, थर्ड सेमेस्टर में आप बफर एम्पलीफायर पढ़े होंगे तो आप ये समझ सकते हैं जो बफर एम्पलीफायर होता है वो हाई इम्पीडेंस सिग्नल को लो इम्पीडेंस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, द एबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर टू रिजेक्ट कॉमन वोल्टेज ऑन इट्स टू इनपुट लीड्स इज नोन एज, यानी कि अपने दो इनपुट लीड पर सामान्य वोल्टेज को अस्वीकार करने के लिए एम्पलीफायर की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कॉमन मोड रिजेक्शन रेट, दूसरा ऑप्शन दिया कपल्ड मोड रिजेक्शन रेट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, चौथा ऑप्शन दिया कॉमन मोड रिजेक्शन कपल्ड मोड रिजेक्शन रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थ्री का सी, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CMRR, इसका फुल फॉर्म भी होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या हमारा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है CMRR इज मेजर्ड इन, यानी कि CMRR जो मेज़र करता है उसकी मात्रा क्या होता है, किस मात्रक में वो मेज़र करता है। जैसे हम वेट को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, उस प्रकार जो CMRR जो मेज़र करता है वो किस इकाई से मेज़र करता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया VS वोल्ट पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया डेसीबल, तीसरा ऑप्शन दिया गया डेसीबल पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन दिया गया डेसीबल प्रति मिली सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, डेसीबल में मेजर करता है। CMMR की जो मेजरिंग इकाई होती है वो होता है डेसीबल, यानी कि राइट जो आंसर नंबर बी है इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, द कॉमन मोड रिजेक्शन फॉर मोस्ट ओपैम्प इज टिपिकली बिटवीन, तो अधिकांश ओपैम्प के लिए सामान्य मोड अस्वीकृत आमतौर पर के बीच होती है, किसके बीच होती है,
नंबर एक, जो आपको पता है इससे पहले जो CMRR होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और उसका जो मात्रक होता है डेसीबल होता है, ठीक। तो आप ये चीज़ पता कर सकते हैं डेसीबल उसका मात्रक। पहला ऑप्शन दिया गया 10 to 15 डेसीबल, दूसरा ऑप्शन दिया 20 to 14 डेसीबल, तीसरा ऑप्शन दिया 60 to 90 डेसीबल, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया यानी डी ऑप्शन दिया गया है 100 to 120 डेसीबल। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी 16 to 90 डेसीबल, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है यानी CMRR जो होता है वो 60 से 90 डेसीबल के बीच में अपना काम करता है, यानी इनके बीच की फ्रीक्वेंसी को या इतने बीच के वो डाटा को मतलब एक्सेप्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 60 to 90 डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा है द इम्पीडेंस ऑफ द इनपुट शुड बी फिलिंग द ब्लैंक्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई CMRR इन डिफरेंशियल ऑफ एम्पलीफायर, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर में उच्च CMRR प्राप्त करने के लिए इनपुट की प्रतिबाधा होनी चाहिए। तो कितनी प्रतिबाधा होनी चाहिए, पहला ऑप्शन दिया गया लो, दूसरा ऑप्शन दिया हाई, तीसरा ऑप्शन डज नॉट मैटर, चौथा ऑप्शन दिया गया वेरी लो, यानी कि कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी मैटर नहीं करता, कितनी भी हो चल जाएगा, और चौथा ऑप्शन दिया गया वेरी लो। तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी कि हमें उच्च CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो प्राप्त करने के लिए हमें इनपुट की जो प्रतिबाधा यानी इनपुट का जो इम्पीडेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। आंसर नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ECG यानी ECG की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है 0.05 to 150 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 500 to 1500 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन दिया 5 to 500 किलो हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन दिया 0.5 to 150 मेगा हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वन यानी आंसर नंबर ए 0.05 to 150 हर्ट्ज, जो हमारा ECG की फ्रीक्वेंसी रेंज होता है यानी कितने फ्रीक्वेंसी के बीच वो काम करता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.05 to 150 हर्ट्ज। तो बात आती है ECG का फुल फॉर्म, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को ECG का फुल फॉर्म बता चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ECG का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे क्या मेज़र किया जाता है, ECG से क्या मेज़र किया जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। पहला आप इसका, तो इस प्रकार सातवें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 0.05 to 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर सर्कुलेटरी इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द हम नॉइस जनरेटेड बाय द पावर सप्लाई इन द ECG सर्किट, यानी कि ECG सर्किट में बिजली आपूर्ति द्वारा उत्पन्न ह्यूम रोस यानी हम रोस जिसे कहते हैं, हम नॉइस जिसे कहा जाता है, को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एम्पलीफायर सर्कुलेटरी कार्यरत है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें बैंड पास फिल्टर, दूसरा ऑप्शन दिया गया हाई पास फिल्टर, तीसरा ऑप्शन दिया नोच फिल्टर, चौथा ऑप्शन दिया लो पास फिल्टर। तो इसके लिए जो एम्पलीफायर यूज किया जाता है सर्कुलेटरी एम्पलीफायर जो यूज़ किया जाता है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी नोच फिल्टर। नोच फिल्टर जो होता है वो ह्यूम शोर को कम करने के लिए यूज किया जाता है, किसमें, ECG सर्किट में। ECG सर्किट में जो ज़्यादातर यूज किया जाता है नोच फिल्टर को ही यूज किया जाता है, जिससे हमारे जो ह्यूम शोर होती है या हम नॉइस जो होती है उसे कम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एट नंबर क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी नोच फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा क्या है, तो नाइन नंबर क्वेश्चन हमारा है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रोविजनल एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइसेस सच एस्प्लेंट्स एंड ब्रेसेस इज, यानी कि दवा की वह शाखा जो कृत्रिम उपकरणों जैसे कि स्प्लेंट्स एंड ब्रेसेस के प्रावधान और उपयोग से संबंधित है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्रोस्थेटिक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ऑर्थोथेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लैप्रोस्कोपिक, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी लैप्रोस्कोपिक। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है लैप्रोस्कोपिक, ये कृत्रिम उपकरणों में संबंधित होता है, यानी कि कृत्रिम जो दवा बनाई जाती है उससे संबंधित होता है।
इस प्रकार से इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लैप्रोस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द सेंसिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज टिपिकली सेट एट 10 मिलीमीटर प्रति मिली वोल्ट। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की संवेदनशीलता आमतौर पर 10 मिलीमीटर प्रति मिली वोल्ट पर सेट की जाती है, क्या यह कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सत्य है, जो कहा गया है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है जिसकी टिपिकली यानी कि संवेदनशीलता यानी कि क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट जो होती है वो 10 मिलीमीटर प्रति मिली वोल्ट पर ही सेट की जाती है। तो इसका जो कथन दिया गया, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है, यानी आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यूम ऑफ ब्लड विद इन द डायलाइजर इन नोन एज, यानी अपोहक के भीतर रक्त की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी वैल्यूम, ऑप्शन नंबर डी दिया है क्वार्टरली वैल्यूम, प्राइमरी वैल्यूम और डी ऑप्शन दिया है रेसिडुअल वैल्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी प्राइमरी वैल्यूम। 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्राइमरी वैल्यूम, यानी कि अपोहक के भीतर रक्त की मात्रा को प्राइमरी वैल्यूम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, द आइडियल मेम्ब्रेन शुड प्रोसेस टू वाटर, यानी आदर्श झिल्ली में पानी के लिए होना चाहिए। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लो परमेबिलिटी टू वाटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया हाई परमेबिलिटी टू वाटर, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया मीडियम परमेबिलिटी टू वाटर और डी ऑप्शन दिया गया है हाई परमेबिलिटी टू वेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई परमेबिलिटी टू वाटर, यानी कि आदर्श झिल्ली जो होती है उसमें हाई परमेबिलिटी टू वाटर होना चाहिए, यानी कि वाटर की मात्रा अधिक से अधिक होनी चाहिए मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हाई परमेबिलिटी टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रक्त विद्युत का कुचालक है। तो बिल्कुल रक्त विद्युत का कुचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए रक्त विद्युत का कुचालक है। तो इस प्रकार से 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए ट्रू है, यानी कि रक्त विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत सप्लाई नहीं हो पाएगी, यानी कि करंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए ट्रू, यानी कि विद्युत एक रक्त विद्युत का कुचालक है। तो जो विद्युत रक्त में जो RCB होती है उनको गिनने के लिए कल्टर काउंटर का यूज किया जाता है। कल्टर काउंटर एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा RCB को काउंट किया जाता है, जो रक्त में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड डज नॉट मेक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्किन, फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड में मेटल इलेक्ट्रोड त्वचा से सीधा संपर्क नहीं करता, ये राइट है, यानी कि हाँ सही बात है, त्वचा से सीधा संपर्क नहीं करता, उससे पहले एक जो मेडिकल जेल होता है उसे लगाया जाता है, ठीक। तो ये कथन जो दिया गया राइट आंसर है, यानी कि कथन सत्य है, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वार डेवलप्ड फर्स्ट बाई, यानी कि ECG सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी विलियम एंथोरबेन जो थे 1903 में एक इटालियन वैज्ञानिक थे, यानी इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1903 में ECG की खोज की थी। ECG की खोज करने के कारण इनको 1924 में चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हीं के पुण्यतिथि यानी कि इनके जो जिस दिन एक्सपायर किए थे उन्हीं के उसी तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हार्ट डे इन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
तो कब आविष्कार किया गया था? 1903 में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 1924 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने ईसीजी की खोज की थी। ईसीजी खोज इन्होंने सबसे पहले मेंढक के ऊपर किया था। मेंढक के ऊपर जब अपना मशीन बना के उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो देख रहे थे कि कुछ सिग्नल मेंढक के हार्ट से हमें मिल रहे हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने मेंढक पे किया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। 50 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं ईसीजी मशीन, ये वाली ईसीजी मशीन है। यहाँ पे कुछ पल्से आती जाती रहती है। ये देखो साइन वेव में या वर्टिकल वेव में पल्सिंग में आती जाती रहती है। देखिए अब ये है हमारा ईसीजी मशीन। यहाँ पे देख लीजिए एक छोटा सा लड़का यहाँ पे लेटा है। ये हमारा ईसीजी मशीन है। उसका सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे होती जाती रही। आप इस पीडीएफ में और भी इस फोटो में और देख सकते हैं जो हमारा ये वाले जिनके ऊपर चिपकाए गए हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड होते हैं जिसके ऊपर एक मेडिकल जेल लगा के इसको चिपका दिया था, जिससे हमारे बॉडी के सारे डिटेल्स इसी डिस्प्ले स्क्रीन पर शो करते हैं। ये होती है ईसीजी मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे भी उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आपको इस पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका वीडियो तथा ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।